हेलो एवरीवन गाइस माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा सो दिस इज योर फेवरेट भैया प्रशांत भैया चलो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को एंड आज का जो हमारा प्यारा सा लेक्चर है है ये ट्वेंटी का 2022 और इसमें हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर टू हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर वन देख लिया था आज हमारा चैप्टर नंबर टू रहने वाला है तो चैप्टर नंबर टू को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं धमाकेदार तरीके से तो चलिए यार शुरू करते हैं फिर आज के इस प्यारे से लेक्चर को चलो फटाफट फड़ सभी लोग आ जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो बिल्कुल भी आज मस्ती नहीं करेंगे द रीजन इज दैट कि यार जो आज का लेक्चर है और ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल इसका वेटेज बहुत ज्यादा है फॉर एम एस और दूसरी बात पहली चीज तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है मतलब अकॉर्डिंग टू मी पूरे बायोलॉजी के सारे सोलह के सोलह चैप्टर में से ये जो चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है मतलब इससे बड़ा चैप्टर कोई भी नहीं है गाइस सीरियसली तो गाइज ये जो चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है सीरियसली कह रहा हूं मतलब इस चैप्टर को मैं भगवान से मनाता हूं कि भगवान कम से कम ये एक घंटे चालीस मिनट में हो जाए आज कवर विद प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक है तो गाइज जो मेरे पढ़ाने का तरीका है मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि तुम सब जानते हो कि लास्ट के फोर्टी जो डेज बचे हैं आपके पास इन दिनों में आप लोगों को किस तरीके से अपने रैंक को बूस्ट करना है और अच्छे खासे मार्क्स लेके आने हैं इसकी वीडियो तो मैं एक अच्छे से अभी कल तक शाम तक आपको मिल जाएगी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी हूं रात रात भर काम करना पड़ रहा है ठीक है बट स्टिल मैं आप सबको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एग्जैक्टली exactly पहले आप थियरी को पढ़ो देन थियोरी के बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बट फॉर बायोलॉजी आप लोगों को जितने ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज हो सके उतने ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे कैलकुलेशन नहीं करने होते सीधा क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिख गया क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिख गया आता है तो आता है नहीं आता तो भूल जाओ ठीक <laughs> है तो आता है तो आता है नहीं आता तो जय भारत माता ठीक है समझ के रखना तो ये सारी चीजें तो चलो यार सीधी बातें नो बकवास बिना किसी टाइम पास के आज के इस प्यारे से लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आई होप कि आप सारे के सारे लोग इस लेक्चर को सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे और लाइक करोगे इस लेक्चर को चैप्टर नंबर वन पढ़ के आप लोग को अच्छी खासी फीलिंग तो आई ही होगी कि चैप्टर नंबर वन किस तरीके से हमने डिटेल में उसकी स्टडी की थी तो आज हम लोग चैप्टर नंबर टू की स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी के अंदर यह हमारा क्रैश कोर्स है चलो शुरू करते हैं ठीक है लेट्स बिगिन तो गाइस सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है आप लोग को सभी लोग को ढंग से और अच्छे से सारी चीजें दिख रही होंगी थोड़ा समय साइड में हो जाता हूं और थोड़ा समय इधर हो जाता हूं छोटा सा चलो ठीक है अब शुरू करते हैं तो गाइस जो आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल हायर एनिमल इसमें से ना जो asexual वाला पार्ट है वो है हमारा reduced तो जिसे हमें पढ़ना नहीं है तो बिना किसी देरी के चलो फटाफट शुरू करते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और प्लीज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बाजू में टेक्स्ट बुक जरूर रखना जो भी एमसीक्यू की बुक होगी आपके पास उसको भी जरूर रखना दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास जो भी चीज अवेलेबल होगी रिलेटेड टू बायोलॉजी स्टडी मटेरियल चाहे वो मेरी नोट्स जो मैंने आपको दी थी अच्छा कल की नोट्स आप सबको मिल गई ना टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर जगह मैंने आ, पूरा पीडीएफ डाल दिया है कल का ठीक है तो आई होप आपको मिल गया होगा ठीक है तो अच्छे से पूरे की पूरी प्रिपरेशन करनी है जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से पढ़ते जाना क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद कभी आप बायोलॉजी की बुक को हाथ भी नहीं लगाने वाले हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना अच्छे से दिमाग लगा के थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ना ठीक है चलो मैथामेटिक्स का टाइम टेबल मैंने दिया है ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैथ्स होगा ना टाइम टेबल तुम लोग को मिला नहीं क्या मैंने डाला है कम्युनिटी पोस्ट में हर जगह टाइम टेबल डाला है तो नहीं मिला रहेगा तो ठीक है मैं वीडियो बना दूंगा अब मतलब भेज दूंगा सभी को ग्रुप में वापस से वैसे जाओ यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा तो चलो यार चार मिनट हमारे वेस्ट हो गए बहुत इस टाइम पे एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में और इसके बाद हा केमिस्ट्री का लेक्चर सब लोग ज्वाइन करना मैंने शेड्यूल कर दिया एट को तो ये लेक्चर खत्म करके तुरंत उसको मैं जाऊंगा आज लगातार चार घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल शुरू करते हैं जब जब तो फटाफट मैं शुरू कर रहा हूं मेरी गाड़ी शुरू हो जाएगी बंद नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल

वेजिटेटिव फेज था और इसमें क्या होता है फिजिकल फेज है तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो गाइड जस्ट एक मिनट मैं आता हूं अभी कोई बुला रहा है एक मिनट है गाइज वो थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया मेरे को ये भी मैनेज करना पड़ रहा है यार जस्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा किधर गया ट्रैक रिप्लेस एक मिनट हाँ कहा सी सी टाइम पे इनको भी काम आ जाता है यार जब जानते हैं कि लेक्चर ले रहा है बंदा तो सी टाइम पे सब काम आता है एक मिनट सब लोग रुक जाओ यार एक मिनट रुक जाओ सब लोग एक मिनट रुकवा सब लोग प्लीज यार बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया मेरे सामने टाइम पास हो रहा है चलो भेज दिया ओके नाउ लेट्स बिगिन भेज दिया भेज दिया भेज दिया चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कहां थे हम लोग ठीक है चलो देखो यहां पे तो ओके हमने देख लिया कि यहां पे जुविनाइल फेज यानी बच्चों वाला फेज जहां पे एग्जैक्टली फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की और दूसरा होता है मतलब एक्जैक्टली

के हिसाब से भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्लासिफाई किया जा सकता है ठंडी में, में मतलब का, का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो हर हर मौसम में हमारी मशीन चालू रहती है तो वी आर कंटिन्यूस ब्रीडर चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट तो गाइस चलो क्वेश्चन का आंसर फटाफट सारे के सारे बच्चे लोग जल्दी से आंसर देना बताना ठीक है जरा देखो पहला क्वेश्चन है गैमेट्स एग्स एंड स्प आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश फटाफट इसका आंसर जल्दी से थोड़ा सा दोगे और जितना जल्दी इसका आंसर दोगे उतना ज्यादा मतलब जल्दी से हम लोग चीजों को कवर कर पाएंगे ठीक है जल्दी बताओ फटाफट फड़ा। चलो फटाक से जल्दी से इसका आंसर सभी के सभी बच्चे जल्दी से बताओ बोलो जल्दी बोलो फटाफट बहुत बढ़िया तो इसका आंसर रहेगा सी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली गैमेट्स एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दी टेस्टिस एंड ओवरीज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ दी फॉलोविंग आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल एक्सेप्ट फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनमें से कौन सा नहीं है ठीक है जल्दी बताओ फटाक से तो भाई लैरिंग्स लैरिंग्स का इनलार्जमेंट जैसे हम मेल में देखो ये इधर का ये निकल के बाहर आता है लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं होता इनका टेटुआ बाहर नहीं आता है <laughs> चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अब हम बात करेंगे हमने नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे देखो जो जो हम मैं पढ़ाऊंगा उसके हम सीक्यू भी कराते चलूंगा तो इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बात करते हैं ह्यूमेंस बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं इस बात को समझना ह्यूमन्स के अंदर गाइज मैं बता दूं आपको कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है यानी कि एक छोटे से बच्चे को यानी कि स्पम से लेकर और एक बड़ा सा बेबी तक का फॉर्मेशन में बहुत टाइम जाता है करीबन नाइन मंथ का टाइम जाता है ये नाइन मंथ में करीबन सात प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस कहां से लेके स्प को बनाने से लेकर के और किसी बॉडी को डेवलप करने तक होते हैं जैसे कि गैमेटोजेनेसिस जिसमें स्पम का फॉर्मेशन होता है इनसेमिनेशन जिसमें स्पम फीमेल की वजाइना में जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहां पे अंदर फर्टिलाइजेशन होता है मेल uh, और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो दोनों मिलते हैं जाइगॉट फॉर्मेशन अब जब मिल गए दो गैमेट्स तो इनका जाइगोड का फॉर्मेशन फिर इम्ब्रायो बनता है फिर जेस्टेशन होता है एंड देन जाके प्रेगनेंसी यानी कि पार्चुरेशन होता है तो इस तरीके से बहुत से प्रोसेस होते हैं तब जाके हमारी बॉडी क्रिएट होती है इस बात को समझ के रखना अच्छे से वैसे मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे जिनका इस्तेमाल किया जाता है, के लिए। ठीक है वैसे मैं बता दूं, तो मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है इनमें जैसे कि बियड है मुस्टैच है, इन चेस्ट है मस्कुलर बॉडी है ये सब मेल की बातें हो गई बट अगर फीमेल की बात करें तो हाई पिस्ड वॉइस ब्रेस्ट इन ब्रॉडर पेल्विस ये सारी चीजें फीमेल के अंदर होती है चलो गाइस इस बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिर हम बाद में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही दोनों तो कांड करते हैं तभी जाके बेबी प्रोड्यूस होती है तो मेल के अगर बात करें तो द मीनिंग भी तो मतलब इस्तेमाल करते हो वही अब समझ जाओ भावनाओं को जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिस होता है तो आज थोड़ा सा और पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं जो कि रियली वेरी इंपॉर्टेंट है तो ठीक है यहां पर जरा देख लो अच्छे से तो यूरिनरी ब्लैडर सबसे ऊपर होता है जहां पे यूरिन भरा होता है यानी कि जहां पे तुमने थ्री डट में देखा होगा कि अगर दरवाजा नहीं खोलेगा तो इसके ऊपर मूत्र विसर्जन करेंगे <laughs> तो वही यहां पे भरा होता है फिलहाल मेल के अंदर दो दो टेस्टिस होते हैं कोई ऐसा मत करना कि एक टेस्टिस होता है किसी एक को रहेगा तो डॉक्टर को दिखा लेना ठीक है और टेस्टिस एक छोटे से पाउच के अंदर होता है जिसको भाषा में पता नहीं क्या कहते होंगे टेस्टिस के ऊपर ऊपर जो उपर ऐसे कुछ पहाड़ जैसा दिख रहा इसे एपिडी है इसे कहते हैं और बाकी का तुम्हें पता है कि काउपर्स ग्लैंड तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं सेमिनल काउपर्स एंड एक दूसरा है प्रोस्टेट तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ठीक है फिर एक पेनिस होता है किसी को दो रहेगा तो कमेंट में बता देना और बाकी की चीजें यहाँ

और मीसो मतलब मिडल ठीक है ध्यान देना अच्छे से बाकी बात करेंगे ये लोवर एबडोम मतलब पेट पेट के नीचे जो खाली जगह है वहीं पे ये भरे होते हैं वैसे ये स्क्रॉटम नाम के पाउच के अंदर होता है अच्छा ये बनते कहां से हैं? जैसे कि मान लो अगर मैं हार्ट बोलूं कहीं से बनता होगा लीवर कहीं से बनता होगा तो टेस्टिस कहां से बनता है तो किसी भी मेल के अंदर बेसिकली जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तो एब्डोमेन में इसका जनरेशन होता है एंड फिर इंग्वाइनल नाम की एक कैनाल होती है उस कैनाल से ये स्क्रॉटम में आके गिर जाते हैं अगर कभी स्क्रॉटम में आके नहीं गिरते तो क्रिप्टोर्चडिजम नाम की एक बीमारी होती है मतलब जिसके पाउच में ये टेस्टिस होते ही नहीं है मतलब कि जो तुम बचपन में कंचे खेलते थे वो रहेंगे तीन सेंटीमीटर वाइड और तीन सेंटीमीटर थी होता है तो ये तुम्हारे सामने है। इसके नाम प्लीज अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वैस डिफरेंस आपको दिख गई होगी फिर ऐसे ट्यूनिका ट्यूनिका एल्बुजीनिया और सेमिनिफेर इसके बहुत से ऐसे नाम है

अपने अंदर से रोस्टिंग वाली धुलाई चालू रहेगी याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की चलो अब बात करते हैं फटाफट तो गाइड हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है तो कोई भी अगर टेस्टिस है उसके बारे में पूरे के पूरे उसके जो सिस्टम है सब कुछ के बारे में पता कर लेना उसके इंटरनल पार्ट के बारे में सब कुछ सिस्टम के बारे में समझ लेना यही होता है हिस्टोलॉजी ठीक है तो हिस्टोलॉजी के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है एक्सटर्नल लेयर की बात करेंगे ये एक्सटर्नल लेयर फिलहाल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जैसे कि आप सबको पता होगा कि बहुत से टाइप ऑफ टिश्यू टिश्यूज होते हैं ठीक है तो उसमें से एक है कनेक्टिव टिश्यू इसी कनेक्टिव टिश्यू से हमारा ब्लड भी बनता है आपको ये याद होना चाहिए जैसे लिम्फ हो गया ब्लड हो गया ये सब कुछ कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट हैं ठीक है और तो और बता दूं यहाँ पे कि ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया जो एक्सटर्नल लेयर होती है टेस्टिस की इसे कहते हैं ठीक है आउटर और इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग को ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं पेरिटोनियल मतलब जो जिससे पेट बना होता है उस पेरिटोनियल कवरिंग उससे चेस्ट वगैरह की जगह पर भी ये कवरिंग होती है तो इनकम्प्लीट कवरिंग को ट्यूनिका वेजिनाल स्पाइनालिसा कहते हैं इस बात को आपको समझना है बाकी फिर वैस्कुलोसा है ऐसी तीन लेयर होती है ट्यूनिका 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 की तीन लेयर ट्यूनिका एल्बुजीनिया ट्यूनिका वेजिनालिस ट्यूनिका वैस्कुलोसा ठीक है।, है समझ के रखना फिर से रिपीट करता हूं ट्यूनिका एल्बुजीनिया विच इज एक्सटर्नल लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस जो कि इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग से बनी होती है याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है याद रखना ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होता है ये मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो की वेस्कुलर बनी होती है लेयर लेयर वो लेयर कहलाती है जिसके अंदर होल हो मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं तो इसके अंदर होल है तो ये हो गया समझ रहे हैं मतलब अजीब बताना पड़ गया सॉरी बट ऐसा ही होता है चलो बात करते हैं गाइस इसी तरीके से ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया के अंदर अब जो बताने जा रहा हूं इसे याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट याद करना पड़ेगा तो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया के अंदर दो सौ से तीन सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं

टिंग माई पॉइंट ऑर नॉट बहुत बढ़िया और ये 200 से 300 जो लॉब्यूल्स हैं, इनमें से एक लॉब्यूल के अंदर करीबन तीन से चार सेमिनि ट्रिब्यूल होते हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट तीन से चार सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल होते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग देखो ट्यूनिका एलब्यूजी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टेस्टिस इट इज डिवाइडेड इंटू टू तो हंड्रेड टू तो थ्री हंड्रेड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स दीज सिंगल लॉब्यूल कंटेन थ्री टू फोर सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड दिस इज द सेमिनिफेरस टिब्यूल विच फॉर्म्स स्पम ठीक है इस बात को ध्यान देना इसी से स्पम इस बनता है तो यहां पे आ जाओ जरा थोड़ा अच्छे से समझ के रखना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है तो ट्रांसेक्शनल कट ऑफ टेस्टिस

सेमिनिफेरस टिब्यूल में खुद को डिवाइड करता है और यही सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पंप बनता है इस बात को अच्छे से थोड़ा सा समझ के रखना अगेन गाइस फिर से कोई आ गया थोड़ा रुक जाओ जरा आप दोबारा मत आना डिस्टर्ब होता है बिना मतलब चलो ठीक है शुरू करते हैं सो यहां देखो यार क्या करूं बहुत ज्यादा काम है उधर घर भी मेरे को ही संभालना है छोटे बच्चे लोग आ रहे बोल रहे ये काम करना है भैया वो काम करना है भैया मर जाए भैया क्या क्या करे भैया चलो ठीक है कोई ना अपने अपन मेल लोग हैं अपने को बहुत मेहनत करना पड़ता है अपन लोग ऐसे मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे चलो देखो यहाँ पे सब लोग फटाफट यहाँ देखो सो यार एग्जैक्टली ये था हमारा टीएस ऑफ टेस्टिस यानी कि ट्रांसेक्शनल कट ऑफ टेस्टिस तो समझ गया होगा ट्यूनिका एल्बुजीनिया जो है लॉब्यूल दो से तीन और एक लॉब्यूल इसमें से तीन से चार सेमिनिफ्रेस ट्रिब्यूल को कंटेन करता है और फिर उसके बाद स्पम तो इस बात को थोड़ा सा समझ के रखना अच्छे से ठीक है चलो तो ये बातें आपके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो थोड़ा सा बात करते हैं ये जो एक सिंगल आपको दिख रहा है यही है हमारा सेमिनिफ्रेस ट्रिब्यूल इसके अंदर छोटे छोटे देखो बच्चे दिख रहे हैं यही है हमारे स्पम्स करीबन दो से तीन मिलियन स्पम फॉर्म होते हैं किसी किसी के अंदर चार मिलियन भी होता है मैं गिनने नहीं गया हूं ठीक है यहां बात करते हैं एक्सेसरीज डक्ट की बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं तो एक्सेसरीज डक्ट जो होता है ये रीटेड एस्टिस अब रीटेड एस्टिस क्या होता है इट इज दी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ स्मॉल स्मॉल एग्जैक्टली कैपिलरीज 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 क्या होती है जस्ट पाइप आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा तो वैस वैस डिफरेंस इजैक्योट्रीडक्ट यूरेथ्रा ये सब कुछ का कॉम्बिनेशन है अच्छा मेल के अंदर बता दूं कि जहां से स्पंप निकलता है वहीं से यूरिन भी निकलता है बट फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता फीमेल के अंदर ना यूरिन निकलने का अलग रास्ता है और बाकी का सब अलग रास्ता है दो 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 होते हैं मतलब दो -दो आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली exactly उनके पास प्रेजेंट चलो बात करते हैं आगे की तरफ करीबन 12 से 20 फाइन ऐसे टिब्यूल होते हैं जो वैस इफ्रेंशिया के पास टेस्टिस में अराइज होते हैं ऐसे बहुत सी चीजें यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से टेस्टिस से स्पम निकल के फिर रीटे टेस्टिस में आता है रीटे टेस्टिस से निकल के किस तरीके से एपिडीडाइमिस में जाता है और एपिडीडाइमिस से निकल के किस तरीके से वैश डिफरेंस में जाता है और किस तरीके से वैश डिफरेंस से निकल के तीनों ग्लैंड है वहां पे जाता है और फिर उसके बाद पेनिस के थ्रू हमारा स्पम बाहर निकल जाता है तो ये सारा प्रोसेस यहां पे समझाया गया है अगर हम ग्लैंड की बात करें जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता दू कि रियलिटी एक ऐसी है कि टेस्टिस में स्पम है, ठीक है और टेस्टिस से स्पम निकलता है तो कहां जाता है सबसे पहले रीटे टेस्टिस में जो कि नेटवर्क है रीटे टेस्टिस से कहा जाता है एपिडी में अब बीच में कुछ और छूट गया होगा तो थोड़ा भावनाओं को समझ लेना एपिडीडाइमिस से कहा जाता है वैस डिफरेंस जो कि वो ट्यूब थी लंबी लंबी जिसको काट सकते हो आगे चल के बताऊंगा क्यों काटना है मतलब किसी को वो कहते हैं ना कि अपनी भाषा में <laughs> किसी को ये बनाना है तो काट दो <laughs> चलो ठीक है तो वैश डिफरेंस की बात करते हैं तो जो वैश डिफरेंस एग्जैक्टली यहां पर आता है फिर यहां से तीनों ग्लैंड में जाता है अब तीन ग्लैंड कौन कौन से हैं तो पहला है सेमिनि सेमेनल वेसिकल फिर दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड तीसरा है जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काउपर्स ग्लैंड तो ये तीनों ग्लैंड के पास स्पम आता है फिर तीनों ग्लैंड से जब ये गुजरता है तो स्पम स्प नहीं रह जाता वो सीमेन बन जाता है और सीमेन कहां से निकलता है पेनिस में से बाहर आता है तो ये थोड़ा प्रोसेस को याद रखना तो गाइस सेमिनल वेसिकल जो होता है ये करीबन 60 परसेंट ऑफ टोटल सीमेन के पार्ट को कंटेन करता है और यही जो है ये फ्रेक्टोज प्रोवाइड करता है और फ्रेक्टोज

बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटालिया की तो चलो बात करते हैं अब एक्सटर्नल वाले पार्ट की इंटरनल बातें हो गई एक्सटर्नल तो मेल के अंदर तो भाई दो ही चीजें हैं सौ नंबर तो सौ नंबर मेल के पास है एक है पेनिस और दो स्क्रॉटम मतलब एक स्क्रॉटम के अंदर दो चीजें तो एक पेनिस है और दो यहां पे क्या है <laughs> टेस्टिस है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना <laughs> मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ठीक है मतलब समझ रहा है ना क्या कह रहा हूं तो सिर्फ यही अवेलेबल है एक्सटर्नल जेनिटालिया के नाम पे तो बेसिकली जो पेनिस है इसको बहुत लंबा सफर तय करना रहता है तो ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है अब हमारे स्टूडेंट बोलेंगे चल चल बायोलॉजी की बुक वाले को बोलेंगे चल चल हमें मत सीखा हमको भी मालूम है सिलेंड्रिकल

<laughs> क्या यार तुम लोग ऐसा करते हो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी जल्दी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आगे निकलते ईयरफोन यूज करो क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है आप क्या कर सकते हैं देखो भाई यश भी हंस रहा है क्या बात है यश हमेशा आता है मैथ्स टू मैथ्स टू की डिमांड करता है लेकिन यार क्या करें अब देखो मेरी गलती नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं तो अब अगर लड़कियां होंगी तो थोड़ा जज मत कर लेना लड़कियां लड़के रहेंगे तो उनको तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता उनको तो मजा आता रहेगा तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ तो मेरी गलतियां नहीं है ठीक है यश शिवालय रोज आता था मैथ्स टू मैथ्स टू बोलता था और आज आगे ना हंसने लग गया तो ये सच्चाई है कि ये रिप्रोडक्शन ऐसी चीज है ना बड़े बड़े सन्यासियों के कॉन्सेंट्रेशन को भंग कर देता है ठीक है मतलब तुम कितना कंसंट्रेट करोगे जब रिप्रोडक्शन आएगा तुम्हें हंसना ही पड़ेगा ठीक है तो ज्यादा अपने आप को भगवान वाला मत समझ लेना तुम इस चैप्टर में हंसे और अभी मेरे लेक्चर से जाओगे आई एम स्टिल ट्राइंग माई सेल्फ मतलब एकदम कुछ बोलू ही ना एकदम मैं खुद कंट्रोल uh, कर रहा हूं कि यस नो नो यू डोंट हैव टू रोस्ट यू जस्ट हैव टू टीच बट मैं मतलब मैं खुद नहीं रोक पा रहा तो इसक्रोट की बात करते हैं तो ये एक लूज पाउच होता है पिगमेंटेड स्किन इसकी होती है और इसके ना दो टाइप का सेप्टम अब आपको लगता रहेगा कि जो आपका पाउच है वो एक ही है ऐसा नहीं होता भाई उसके उसके अंदर वो ऐसा 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 और बीच में उसके कव... ऐसा, बीच में में ना एक दीवार बनी हुई है ये दीवार क्या है सेप्टम इसे सेप्टम कहते हैं ट्यूनिका डार्टोस नाम की एक लेयर से बना होता है जो कि मस्कुलर फाइबर होता है जहां पे एक इधर चीज रहती है और एक इधर पे रहता है मतलब इन्हीं के दोनों को निकाल के आप खेल भी सकते हो लेकिन तुम नहीं बचोगे फिर चलो एक चीज और बता दूं कि जो टेस्टिस होता है वो इससे किस चीज से जुड़ा होता है नहीं तो ऐसे में तो फिर आपके पाउच में से टेस्टिस निकल के आपके पेनिस से बाहर आ जाएगा तो ऐसे नहीं हो सकता ना फिलहाल ऐसा हो भी नहीं सकता दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर की चीज थोड़ी निकलेगी लेकिन फिर भी अटैचमेंट होता है यानी कि आपका टेस्टिस जो है वो आपके स्क्रॉटम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गुबरनेकुलम ठीक है इसका ध्यान देना अच्छे से चलो बाकी किस कॉर्ड और ये बीमारी मैंने आपको बता दिया क्रिप्टोरचिजम कहते हैं अगर किसी बंदे के अंदर

और कैसा होता है <laughs> तो मैन लोग के अंदर टेस्टिस कैसे होता है ये भी कोई वाला क्वेश्चन है <laughs> चलो ठीक है तो इसका आंसर सब लोग फटाक से बताएंगे ठीक है तो टेस्टिस एग्जैक्टली एबडोमिनल कैविटी में फॉर्म होता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ मैंने आपको ये बताया था ना याद है तो आबाद है एबडोमल कैविटी में बनता है कैविटी मतलब खाली जगह प्रेजेंस ऑफ डैश इंडिकेट्स दैट टेस्टिस आर एबडोम इन ओरिजिन क्या प्रेजेंट है टेस्टिस तो में हमने देखा था कि देखो हमारा टेस्टिस एब्डोमेन में बनता है तो एब्डोमेन में बनता है कैसे पता चला कि टेस्टिस जो है वो एबडोमिन में बनता है ये ये कैसे हमें मालूम पड़ा मतलब किस हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टेस्टिस एक्टली यहां पे बना है तो सिंपल सी बात है पेरिटोनियल कवरिंग होती है और पेरिटोनियल कवरिंग सिर्फ और सिर्फ पेट में होती है और कहीं नहीं ठीक है देयर इज कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एबडोमिनल वॉल इज कॉल्ड अभी बताते हैं ना कि टेस्टिस और एबडोमिनल वॉल के साथ जिसका कनेक्शन होता है तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं तो उस चीज का नाम क्या है मतलब वो चीज क्या चीज है देयर इज कनेक्टिव टिश्यू एक होती है तो वो कौन सी चीज है उसके बारे में तुम्हें यहां पर आंसर बताना है तो बताना स्पर्मेटिक कॉर्ड यही कॉर्ड है

नाम में बहुत ही फर्क है ट्यूनिका ये और ट्यूनिका एल्बिजिनिया से बहुत से ऐसे लॉब्यूल्स बनते हैं और उन्हीं लॉब्यूल से ये क्या बना है हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल तो एक्स इज दी सेमिनिफेरस टिब्यूल नेक्स्ट टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ट्यूनिका बाई नेक्स्ट अभी बताया था मैंने देखो क्वेश्चन आ गया ना जो पढ़ाया उसी के ऊपर क्वेश्चन रहता है आउटर टू दी ट्यूनिका एलबुजीनिया इज एन इनकंप्लीट पेरिटोनियल कवरिंग इनकंप्लीट पेरिटोनियल कवरिंग की बात कर दिया अरे बंदा तो पेरिटोनियल कवरिंग कौन सी होती है चलो इसका आंसर फटक से बताओ इनकंप्लीट पेरिटोनियल कवरिंग की बात कर दिया जल्दी बोलो फटाफट इसका आंसर दो फटाफट जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो फटाक से अरे बोलो अरे देखो एक्सटर्नल लेयर एल्बुजीनिया थी तो फिर जो इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग चिल्ला के बोला था ना कि वेजिनालिस दो बार रिपीट भी किया था

किससे लाइन है एग्जैक्टली बताओ फटाक से अरे भाई इस गोनिया से इस जुआ तो बाद में बनेगा तो कोई चांस ही नहीं परमेटो साइड तो एक सेल होता है चलो नेक्स्ट बहुत से एमसीक्यू लाया हूं मतलब बहुत ज्यादा एमसीक्यू लाया मैंने नेक्स्ट ट्यूनिका डार्टोस क्या है मैंने बताया ना ट्यूनिका डार्टोस किसमें से रिलेटेड है ट्यूनिका डार्टोस बोलो फटाक से आंसर दो ट्यूनिका डार्टोस किससे रिलेटेड है बोलो अरे भाई स्मूथ मसल फाइबर है वो नेक्स्ट फेलर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम टू टू लीड्स यानी कि जिसके पास नहीं है उसे बीमारी को क्रिप्टोरचिडिज्म कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया इज कंडीशन इन विच इंग्वाइनल कैनाल वाली चीज वही चीज यहां पे बोली जा रही है तो बताओ क्या चीज है ये इसका आंसर बताओ फटाफट जल्दी बोलो अरे भाई

एज सस्टेंटिकुलर सेल्स तो इसका आंसर बताओ लार्ज जो बड़े बड़े पिरामिड्स हैं उनको सस्टेटिकुलर सेल्स कहते हैं अरे भाई सरटोली सेल पिरामिड को जो कि क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको न्यूट्रिशन देता है न्यूट्रिशन देता है हमारे स्पम्स को भाई स्पम को जिंदा रहना है कि नहीं रहना है वही तो जर्मिनल सेल अंडरगोस गैमेटोजेनेसिस टू फॉर्म वॉट अरे स्पर्मेटोजोआ या प्राइमरी या स्पर्मेटोगोनियल सेल या स्पर्मेटिड्स तुम लोग इसका आंसर बताओगे हर चीज का सिर्फ मैं बताऊं

कहा एक्जैक्टली ओपन होती है यह क्वेश्चन है बोलो फटाफट कुछ डी बोल रहे हैं कुछ सी बोल रहे हैं कुछ ए बोल रहे हैं क्या गुंडा बनोगे तुम लोग भी बताने के बाद भी आंसर नहीं आता तो फिर फायदा ही क्या है देख रहा हूं सबको C -A -D. अरे यार क्या पढ़ाई किया तुम लोगों ने चलो कोई ना तो इसका आंसर देखो इसका आंसर रहेगा बताओ 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 तुम लोग कहा देख रहा हूँ अरे भाई एकदम धमाका मचा दिया तुम लोग ने आंसर <laughs> विंसर में एकदम तुम लोग ने एकदम धमाका मचा दिया चलो ठीक है तो कोई ना इसका आंसर है यूरे नेक्स्ट इड कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन कॉन वही सेम तुम्हारा जो यूरेटर है वही चीजें करती है नेक्स्ट इज नोन एज यूरिनो जेनाइटल किसे कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट मतलब किस चीज को यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी तुम लोग कह सकते हो ऐसी कौन सी चीजें यूरिनो जेनाइटल का मतलब यह होता है कि जिसमें से ना मतलब दोनों चीजें पास होती हूं मतलब जिसमें से दोनों चीजें पास होती हूँ उसे तो एग्जेक्टली क्या है यूरेथ्रा नेक्स्ट यूरेथ्रा इन मेल्स कहां ओपन होता है ये एक्जैक्टली मतलब या फिर कैसा होता है तो ओपन आउट साइड ओरिफाइस या टू नहीं भाई इज लॉन्ग एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस कह सकते हो इज शॉर्ट एंड डज नॉट एक्सटेंड थ्रू द एक्सटर्नल जेनेटल या ये तो गलत है डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं गलत है ठीक है तो बताओ इतना ऑप्शन देने के बाद भी तुम लोग अगर आंसर नहीं दिए तो फिर चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए जिंदाबाद तो आंसर विल बी वन ओरिफाइस ओरिफाइस मतलब होल होता है द मेल एक्सेसरी ग्लैंड Accessory gland male के अंदर क्या है? ऑन फ्लूकुलशन फॉर क्विक प्रोपल्सन इन वजाइना ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वॉट फ्रक्टोज नेक्स्ट विच फ्रक्टोज क्यों क्योंकि इसी के थ्रू स्प फटाक से भागता है ना और इसी वजह से वजाइना से एक्सैक्टली exactly वजाइना में जब स्प से पेनिस से कौन सा थर्टी परसेंट ऑफ जल्दी बताओ अरे प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ाया तो था यार चलो नेक्स्ट टॉपिक अब अब पढ़ेंगे फीमेल के बारे में बहुत हो गया मेल के बारे में फीमेल बोलेगी हमारे साथ अत्याचार मत करो भैया हमारा भी अधिकार है हमारे बारे में भी लोगों को बताओ हमारे बारे में जागरूकता होनी चाहिए <laughs> तो गाय यहां तक मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है तो कॉमन पैसेज यूरेथ्रा है ना आई थिंक हाँ, तो लिख लेना यूरेथ्रा लिख लेना फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन एकदम अब पंद्रह सेकंड के अंदर दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं तो कभी कभी एक दो कंफ्यूजन हो जाएगा तो देख लेना थोड़ा सा चलो ठीक है यस तो जल्दी बताओ फटाफट हाँ क्वागुलेट अच्छा क्वागुलेट दिया था क्या क्वेश्चन में क्वागुलेशन के लिए फाइब्रोनोजन ही होता है कहा गया किधर क्वेश्चन था वो वाला वो वाला क्वेश्चन किधर था हाँ तो मैंने स्पीड की बता दी ना मैंने अच्छा क्वागुलेट वर्ड ही नहीं पढ़ा था तो क्वागुलेट का फाइब्रोनर्जर नहीं आएगा हाँ बराबर है मैंने क्वागुलेट वर्ड नहीं पढ़ा मुझे क्या लगा पता है क्या वजाइना के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री तो स्पीड में करता है ना तो फ्रेक्टोज हेल्प करता है मैंने क्वागुलेट वर्ड ही भूल गया दिमाग से ठीक है क्वागुलेट शब्द अब दिखा तो फाइब्रोनोजेन विल बी द आंसर परफेक्ट है चलो ठीक है एक क्वेश्चन मतलब तुम्हें दो चीज सीखने मिल गई ना कि अगर स्पीड में जब एजैकुलेट करेगा तो वो एग्जैक्टली फ्रेक्टोज की हेल्प से करता है बट जब क्वागुलेट हो जाता है ना सीमेन पूरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है तो वो एग्जैक्टली ड्यू टू फाइब्रिनोजेन के वजह से होता है तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा गेमिंग वाइट बोल रहा है अब और मजा आएगा सब्सक्राइब मारो इसको चलो यस समझ गया बहुत बढ़िया मनीष श्री कहता है फीमेल <laughs> साहिल प्रशांत मास्टर जिंदाबाद क्या बात है सर नोट्स भी सेंड कर दिया करो अरे सविता ऑलरेडी नोट सेंड किया है रे भाई तुमको मिला ही नहीं तो अब मैं क्या करूं सो बहुत ज्यादा क्या बात है बहुत ज्यादा मजा ले रहे हो इतना मजा मतलब

सब कुछ की पढ़ाई हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे तो पहले देख लो इस राक्षस को ये राक्षस है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है ध्यान देना अच्छे से तो ये क्या है यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस बात को अच्छे से याद कर लो अपने माइंड में ठीक है तो दिस इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो और इसमें ना ये वाला जो पार्ट है ये ओविडक्ट है जिसे आप लोग फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो ठीक है इसमें बहुत सी चीजें नहीं दिया है दिस इज दी फिमरे ठीक है दिस वजाइना पता चल गया दिस इज दी एग्जैक्टली सर्विक्स ठीक है और बाकी यूटरस तुम्हें पता ही है बाकी फंडस भी मालूम है चलो बाकी सब कुछ ध्यान देना अच्छे से ठीक है चलो ये ओविडक्ट है नहीं नहीं ओविडक्ट इधर नहीं है ये कनेक्टिविटी कराता है जस्ट ठीक है तो इतना समझ के रखना अच्छे से चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां पर ध्यान दो ओवरीज की बात करते हैं तो जिस तरीके से मेल के अंदर टेस्टिस वैसे फीमेल के अंदर ओवरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट ओवरी का जो लेंथ होता है थ्री सेंटीमीटर लेंथ होता है और वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जीरो सेंटीमीटर है बात करेंगे ये क्या प्रोड्यूस करता है एग या ओवम दोनों एक ही चीज होती है ये लोकेटेड होता है अपर लेटरल पार्ट में और ये बहुत ज्यादा ईच एंड एवरी पोजिशन में लिगमेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है थ्रू दिनल वॉल तीन तरीके के चार तरीके के हॉरमोन्स को रिलीज करता है पहला है प्रोजेस्ट्रॉन विच इज प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिन ये पार्चुरेशन में काम आता है एक्टिविन ये भी इनहेबिन ये सब कुछ काम आते हैं बाद में तो देखते हैं हम लोग यहां पर टीएस ऑफ ओवरी यानी ट्रांसेक्शनल कट ऑफ ओवरी के बारे में तो एग्जैक्टली exactly जो हमारे फीमेल का ओवम होता है वो हमारे ओवरी में ही बनता है

यानी कि चौदह दिन के पहले किसी भी फीमेल के अंदर ओवम नाम की चीज नहीं होती है मतलब दिस इज सेफ पीरियड एंड एट दिन डे ऑफ साइकिल हमारे यहां पे ओवम बाहर निकल के आता है अगर अब स्पम गया ना तो सीधा बेबी आ जाएगा तो बातें करते हैं थोड़ी सी ज्यादा और इंपॉर्टेंट बातों की तो यहां पे लार्ज स्केल में अगर डिस्ट्रक्शन अब मान लो हर बार तो स्पम हर महीने तो आएगा नहीं किसी भी फीमेल के अंदर अब बाकी का तो पता भी नहीं जाता भी रहेगा बट मैं तो नहीं जानता भाई इतना तो नहीं जा सकता तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स हैं इनकी अगर लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होता है ये खत्म भी होते हैं मर जाते हैं ये अगर नहीं हुआ ग्रोथ इनका तो तो इसे आर्ट्रेसिया कहा जाता है अगर डेवलपमेंट ऑफ दी प्राइमोडियल फॉलिकल की बात करें या ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे ही सिर्फ पॉसिबल है मतलब कोई फीमेल मेच्योर ही नहीं है और उसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल कैसे बन सकता है तो प्यूबर्टी के टाइम पे ही होता है इतना ध्यान देना अच्छे से कभी भी जो जिंदगी में फर्स्ट मैंसुरल साइकिल आता है वो फीमेल के लिए हमेशा यादगार पल होता है और ये थर्टीन ईयर्स के टाइम पे ही आता है और मेना ये होता है स्टॉपिंग साइकिल ये भी यादगार पल होता है क्योंकि इसके बाद फीमेल मतलब समझ लो सब कुछ खत्म खत्म सा है यानी कि ये भी 45 टू 55 की एज तक फीमेल खत्म खत्म सा है और 13 एज में उसकी शुरुआत होती है तो 13 से लेके 45 तक दिस इज प्रीमियम एज ऑफ फीमेल प्रीमियम दीरियड इन दी बिटवीन मीनार्शी एंड मेनापोजी होते बत्तीस साल तक यू कैन अंडरस्टैंड और एक साल में नाइन मतलब बारह महीने होते हैं जिसमें से नौ महीने का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सिंगल बेबी प्रोडक्शन तो टोटल चार सो छियालीस सॉरी चार सो सोलह यानी फोर वन सिक्स एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पे जरा फोकस करो थोड़ी सी बातों को स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं तो जो ग्राफियन फॉलिकल ये एक मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल एक मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है ठीक है दूसरी बात करेंगे ये जो एग्जैक्टली exactly है

एन इमेच्योर उ और वही उइट जब मेच्योर होता है तो बन जाता है ओवम ठीक है आगे बढ़ते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब की बात करेंगे तो ये इसी ट्यूब की हम बात करने जा रहे हैं पढ़ाई देखो ये जो ट्यूब है ना इसी ट्यूब की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं देखो यहां पे सब लोग तो ये जो पेयर में दो ट्यूब है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्जैक्टली exactly क्लोज होता है टू दी ओवरी ठीक है और 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है और इंटरनली लाइंड बाय थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इनफंडीबुलम जिसे हम फिम्ब्रे भी कहते हैं और ऑस्टियम नाम की बहुत सी ओपनिंग्स होती हैं एम्पुला ये एक मिडल पार्ट होता है हमारे इस एग्जैक्टली uh, ओविडक्ट exactly का जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस या कॉर्नुआ ये एक डिस्टल नैरो पार्ट होता है जहां पे डक्ट की ओपनिंग होती है यूट्रस की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक वाला एक घर जो हमारे जिंदगी का पहला घर होता है जहां पे हम अपने नौ महीने बिताते हैं जिंदगी के सबसे शुरुआती दौर पे, ठीक है इनके तीन पार्ट होते हैं फंडस बॉडी सर्विक्स जो फंडस वाला पार्ट है सबसे ऊपर का पार्ट है जैसे कि ये अगर मान लो यूट्रस है तो इसके ऊपर का पार्ट फंडस है बीच का पार्ट इसकी बॉडी है और नीचे का पार्ट इसका सर्विक्स है सर्विक्स एक्जैक्टली वजाइना से जुड़ा होता है ठीक है ध्यान रखना अच्छे से आगे बात करते हैं अगर हम इंटरनली बात करें तो हमारा यूट्रस तीन लेयर से अटैच है पहला है आ, बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम फिर अंदर की लेयर मायोमेट्रियम मतलब ये इन बिटवीन की लेयर है और अंदर की सबसे अंदर की लेयर इंडोमैट्रियम तो इंडोमेट्रियम बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द इम्ब्रायो ठीक है ध्यान देना और मायोमेट्रियम जो होता है मायोमेट्रियम में विग्रस पेन होता है विग्रस मतलब सबसे खतरनाक पेन जो सिर्फ एक फीमेल सह सकती है करीबन सौ हड्डियां टूटती हैं जब एक मेल की उतना दर्द होता है एक बेबी के प्रोडक्शन में यानी पार्चुरेशन में प्रेगनेंसी में तो अब मैंने ये बता दिया तो फीमेल डर मत जाना तुम लोग बहुत साहसी हो कर सकते हो एंटी खराड़ी कौन है बोला वेलकम 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 एवरीबॉडी वेलकम शैफ वेलकम राशि आइला राशि आई है अपनी क्लास में राशि त्रिपाठी राशि त्रिपाठी कह रही है सर नोट चाहिए था राशि त्रिपाठी इसकी मम्मी पक्का गोपी बहु सीरियल देखती थी इसके पैदा होने से पहले तभी इनका नाम राशि रखा है ठीक <laughs> है <laughs> तो ये मुझे ऐसा लगता है फिर इनकी सासू माँ का नाम क्या है <laughs> चंद्रपुरी चौटेला <laughs> क्या नाम था उसका वो कांगड़ा का वो कांगड़ा थी ना बड़ी मोटी मोटी आंखें वाली औरत वो आती थी धूमता आना धूमता ना धूमता मतलब तीन बार कुछ हो जाएगा लैपटॉप को धो दिया था एक बार जाके वो बोली लैपटॉप साफ कर दे तो वो ले जाके ना जो किचन की बेसिन होती है उसमें जाके उसने धो दिया उसको लैपटॉप की धुलाई कर दी पानी भी नहीं डाल के बढ़िया सुखा दी ले जाके डोरी में डाल दी बाहर सूखने के लिए टांग दिया जाके लैपटॉप को तो वो क्या ना उसका नाम था वो वो जो नहीं क्या उसकी सासुमा थी चंद्रपुरी नाम था ना उसका चंद्रपुरी चावटेला? नहीं कोकिला अच्छा, कोकिला अच्छा बेन याद आ गया तो वो राशि थी कुकर में चने चढ़ा दिए और फिर जाके उधर मलाई मार रही है <laughs> तो टेंशन मतलब राशि त्रिपाठी आप ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का वहां पे जाओ और क्लिक करो और क्लिक करके नोट्स ले लेना लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स डाल दूंगा ठीक है राशि चलो ठीक है अब शुरू करते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो गए हम लोग वापस से आगे चलते हैं थैंक यू सो मच राशि यहाँ आने के लिए और हम सब ने हम सबको आपने खुश कर दिया आप सबके वजह से हम सब हंस पाए धन्यवाद आपका आप जीवन में हो आपने बहुत अच्छा काम किया जिंदगी में पढ़ाई लिखाई भले ना हो भले बारहवीं में या सीटी में जो भी हो जाए लेकिन आपने बहुत सुंदर काम किया है अब आप ना आप ना मुझे अपना दुश्मन मान लोगे मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने आपको रोस्ट कर दिया आप बोलोगे कि ये मेरे को इतने सारे लोगों के सामने रोस्ट कर दिया जिंदगी में इसके क्लास में नहीं जाऊंगी <laughs> और जब जब कोई रसोड़ा और कोकिला का नाम लेगा आपको आपका नाम याद आएगा आपकी गलती नहीं है आपके पैदा होने से पहले ही ये सब जोक लिख दिया गया था ब्रह्मा जी ने वेद में लिख दिया था कि जब तू पैदा होगी तेरे से पहले ये सीरियल बनवा देता हूँ ये सीरियल वाला नाम तेरा होगा फिर एक प्रशांत नाम का लड़का होगा फिर वो तेरे को रोस्ट करेगा फिर तू उसको अपना दुश्मन मान लेगी तो ये पहले से लिखा हुआ था तो ये विधि का विधान है इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो ठीक है <laughs> चलो ठीक है आगे निकलते हैं सो so, वजाइना की बात करेंगे अब दुनिया का सबसे खास चीज जिसके लिए दुनिया है दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे नहीं दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय मैं तेरे कुर्बान तो इट इज अ ट्यूबलापुलेटरी ऑर्गन सेवन टू नाइन सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका एंड <laughs> बात करेंगे आगे की ठीक है तुम लोग जितने लोग यहाँ पे दांत काट रहे हो आधे लोग को पता तो है क्या वजाइना क्या होता है मुंह बना के ही ही, ही दांत किर दी ही ही, ही दिए रिंग किया के पापा तो इट लाइज बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल तो वेस्टिब्यूल इज द आउटर पार्ट और उसके अंदर एक छोटा सा सर्विक्स होता है उसके बीच में जो आ, मतलब ओरिफाइस है देखो कितना साइंस बड़ा ही भद्दी चीज है मतलब सीधा सा कह सकता है ना कि होल है लेकिन इसको ओरिफाइस बोलना जरूरी है ठीक है ओरिफाइस <laughs> मतलब खतरनाक इंग्लिश वर्ड दिनल वॉल जो होता है एन and...

मदर के अंदर से बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया की तो एक्सटर्नल जेनिटालिया के अंदर ना फीमेल में बहुत सी चीजें हैं जैसे वेस्टिब्यूल तो वेस्टिब्यूल वो बाहर की चीज है दाट फ्लिप दाट वर्टिकल फ्लिप ठीक है वेस्टिब्यूल तो ये एक मीडियन वर्टिकल फ्लिप होती है जो कि डिप्रेशन ऑफ वल्वा वल्वा इज द आउटर पार्ट करता है उसको लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा दो टाइप की चीजें होती हैं तो लेबिया माइनोरा जो है ये अंदर का छोटू सा पार्ट है मतलब ये बात ध्यान देना और इसी के ऊपर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस हैविंग इरेक्टाइल टिश्यूज ड्यू टू विच इसके पास सेंसेशनल फीलिंग्स होती हैं यानी कि एनी एनी कैरीज क्लाइटोरिस दे कैन फील समथिंग समथिंग ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइटोरिस की डिटेल में तो ये एक स्मॉल क्रॉनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन होता है ठीक है दूसरी बात लेबिया माइनोरा में लाइक करता है और इसके पास पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होती है नाम क्या है उस टिश्यू का कार्पोरा कवर नोसा और होमोलोग पेनिस मतलब कि ये क्लाइटोरिस सेम टू सेम पेनिस के जैसा होता है बस फर्क इतना है कि पेनिस थोड़ा बड़ा है थोड़ा सा चिंदी सा सा चिंदी है 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 छोटा सा है। ठीक है? बस इतना सा फर्क होता है बाकी कुछ भी फर्क नहीं होता ठीक है ध्यान देना अच्छे से जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो अब आगे निकलते हैं लेबिया मेजोरा इज द आउटर पार्ट विच इज फ्लैशी फोल्डेड स्किन बाउंड्री होती है वल्वा की ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटालिया को मतलब कि तुम्हें लगता होगा कि अगर तुम आउटर पार्ट से जस्ट टचिंग इट तो ये गलत है कि तुम सीधे वजाइना को टच कर रहे हो इट इज टोटली रॉन्ग मिनिमम वन टू टू सेंटीमीटर के बाद वजाइना का जो मेन फर्स्ट ओपनिंग होती है वो शुरू होती है मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ठीक है तो लेबिया मेजोरा इज आउटर फोल्डेड मोटी सी स्किन इस बात को ध्यान देना अच्छे से मैंने इसका डायग्राम भी दिखाया था बट मैं इस बार नहीं दिखाऊंगा मोन्स प्यूबिस की बात करते हैं इट इज सपोज दैट दिस इज दी मतलब अगर सपोज ऐसा कुछ पार्ट है तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ इसलिए बता रहा हूं तो दिस इज दोन्स प्यूबिस मोन्स प्यूबिस मोन्स एग्जैक्टली exactly क्या होती है जहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लैशी एलिवेशन होता है ये मतलब कि अगर आ, मतलब आई डोंट नो मतलब ज्यादा मेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने जिंदगी में थोड़ी देखा है कभी ठीक है बट एग्जैक्टली exactly, एलिवेशन की बात की जा रही है मतलब कि पूरे बॉडी का अगर तुम शुरू से लेके ऐसे से, ऐसे से अगर डाउनवर्ड में जाओगे ना तो हल्का सा यहाँ पे तुम्हें उठा हुआ दिखेगा मतलब दिस इज एलिवेशन हल्का उठा होगा एंड देन फिर डाउन रहेगा मतलब समझ रहा है ये वाली पार्ट हल्का नीचे रहेगी चीजें और ऊपर उठा हुआ रहेगा दिस इज एलिवेशन ध्यान रखना मेमोरी ग्लैंड की चलो बात करते हैं चलो थोड़ी सी अब बात करेंगे प्लीज जरा फोकस करना यार यार हंस क्यों रहे हो मतलब इट्स ओके व्हेन आई वाज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो हमारे यहाँ पे एक मैम थी तो मैम ने यही चीज पढ़ा रहे थे कि देखो देखो जब भी तुम लोग स्टमक के पास से ऐसे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे अब इसे इमेजिन मत करने लगना वरना पढ़ाई वढ़ाई भूल जाओगे फिर उठ के जाना पड़ेगा मोबाइल उठा के कहीं और तो ठीक है जस्ट इमेजिन इट कि अगर सपोज ऐसे जस्ट अगर स्टमक में से नीचे 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 से जा रहे हो सो तो बाकी सब तो नॉर्मल रहेगा लेकिन जैसे मोन्स प्यूबिस का एरिया आएगा ना वो हल्का सा एलिवेशन होगा वहां पे वहां पे हेयर्स भी हैं मतलब समझ रहा है वो हेयरी पार्ट है फ्लैशी पार्ट है एग्जाम में आता है एलिवेशन वर्ड तुम्हें भूल जाएगा बाकी सब हेयर वियर तो याद रहेगा लेकिन एलिवेशन भूल जाएगा वो बता रहा हूं इसलिए बार बार अभी क्वेश्चन भी दूंगा उसके बारे में ठीक है समझ समझना मैं क्या बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन भी दूंगा डोंट वरी एंड देन आफ्टर दैट मॉन्स एलिवेशन फिर तुम्हारा वजाइना वाला पार्ट चालू होगा मतलब दैट एरिया इज बिलो द मोन्स प्योबिस समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं तो ऐसा अगर भविष्य में कभी तुम्हें ऐसा लगा कि ये उठा क्यों है तो समझ जाना कि ये उठा ही रहता है ठीक है <laughs> समझ गया ध्यान रखना अच्छे से वर ऐसे मत सोचना कि बाकी सब तो सपाट इधर की उठा है तो थोड़ा भावनाओं में बह मत जाना तो मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं चलो ठीक है चलो क्योंकि साइंस के बच्चे अपन थोड़ी कॉमर्स के बच्चे की अपने को कुछ पता नहीं रहेगा अपन साइंस के बच्चे अपने को सब पता है चलो ठीक है ध्यान दो तो एक्जैक्टली मैमरी ग्लैंड की बात करते हैं तो मैमरी देखो बोलो तो ना नीचे से ऊपर तक सब पढ़ेंगे तो मैमोरी ग्लैंड की अब बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मतलब कि पार्चुरेशन हो जाएगी बेबी दुनिया में आ जाएगी लेकिन मिल्क नहीं बनेगा तो मतलब ही क्या है मतलब फिर कैसे जिंदा रहोगे तुम तो लैक्टोट्रोपिक हॉर्मोन दैट इज एल टी एच या फिर प्रोलैक्टिन की हेल्प से मिल्क बनता है इन द फीमेल सिस्टम और इसी और फिर वो मिल्क जो बनता है वो लैक्टिफेरस टिब्यूल से बाहर आता है मैं आपको इसके डायग्राम दिखाना चाहूंगा देखो दिस इज दी लैक्टिफेरस डक्ट जहां पे जहां पे एग्जैक्टली exactly हम लोग यहां पे इस तरीके से मतलब यहां से हम लोग मिल्क अंदर लेते हैं समझ रहे है? मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं ध्यान देना यहां पे लैक्टिफेरस साइनस जो मिल्क लेके आता है।, लैक्टी, नाम का जो है, रिलीजिंग जो है इसकी हेल्प से मिल्क बनता है बॉडी के अंदर और ये पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड है बाकी तो सब तुम जानते ही हो ठीक है बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन की अब चलो फटाफट सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एंसर जल्दी जल्दी थोड़ा सा देना तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या चीज है चलो बताओ सब लोग आंसर दो फटक से अरे सिंपल सी बात है ओवरी आधे बच्चे बोलेंगे वजाइना देखो कितने लोग ए बोल रहे हो ला, कितने लोग ए बोल रहे हो ये ये तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो कहीं और ध्यान दे रहे हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वजाइना है अच्छा जो तुम देखना चाहते हो वही तुम्हें दिख रहा है <laughs> अब जब वजाइना वजाइना भजोगे दिन रात बराबर तो वही याद आएगा ना <laughs> मेरे को पता ही था आधे बच्चे वजाइना क्लिक करेंगे चलो ठीक है कोई ना तो इसका आंसर आएगा ओवरी नेक्स्ट इन मैमल्स दंसर्न विद वॉट मैमल्स में ओवरी किससे कंसर्न मतलब किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो चलो इसका आंसर सब लोग बताओ फटाक से जल्दी बताओ तो इसका आंसर आएगा ध्यान देना पहले पढ़ो क्वेश्चन का दिया प्रोडक्शन ऑफ ओव प्रोडक्शन ऑफ हार्मो हाँ दोनों तो दोनों के लिए मतलब बोथ एंड ईच ओवरी इज अटैच टू यूटर यूटरस ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू अटैचमेंट होता है वो नहीं क्या अटैचमेंट जो था इसके थ्रू ऐसे ऐसे ये ये लिगामेंट होता है ये लिगामेंट ठीक है बताया भी था द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी कौन सा हार्मोन इनमें से इनबिन एक्टिविन रिलैक्सिन ऑल ऑफ दिस बताया भी था मैंने अभी फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं ओविडक्ट तीन नाम दिया था मैंने अरे भूल गए क्या याद है तो अब सब कुछ बताता हूं, लेकिन फिर भी ओविडक्ट ट्यूब, ट्यूब में में की बात करते हैं तो एग्जैक्टली exactly ओविडक्ट क्या होते हैं चलो इसका आंसर तो दो कम से कम ओविडक्ट एग्जैक्टली exactly क्या होते हैं तो ओविडक्ट जो है वो क्या होते हैं ओविडक्ट क्या होते हैं बोलो हॉरिजॉन्टली और पेरिटोनियल कवरिंग बहुत बढ़िया और ऑल्सो यूट्राइन ट्यूब बहुत बढ़िया दोनों के दोनों ओविडक्ट यूट्राइन ट्यूब अभी अभी बताया था फनल शेप्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्या होता है फनल शेप्ड जो है एग्जैक्टली फनल शेप्ड पार्ट होता है एग्जैक्टली uh, exactly वो क्या चीज होती है मतलब इसका आंसर जल्दी से बताओ सब लोग बोलो अरे इन फंडी बुलम फनल शेप्ड होता है ना ऑस्टियम इज प्रोड्यूस्ड विद द नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ फिम्ब्रे फिम्ब्रे ऑस्टियम होल्ड ओवरी ओवरी को होल्ड करता है ना कैसे पकड़ के रखता है वही फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन पे होता है जो फेलोपियन ट्यूब है वो एग्जैक्टली किधर पे ओपन होता है अरे भाई फेलोपियन ट्यूब ये ट्यूब है ये जो ट्यूब थी ना बाहर ये कहां ओपन होती है यूट्रस में यूट्रस में नेक्स्ट डैश इज द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ ओपनिंग इनटू द दूटेरस ओपनिंग इन टू दूटरस बताओ फटाक से फटाक से आंसर दो इसका अरे स्थमस रे भाई स्थमस में होता है ये सारी की सारी चीजें नेक्स्ट स्थमस इज ऑल्सो नोन एज वॉट अब ये तो कम से कम चिंदी यार. <laughs> ये तो आंसर दो कम से कम बोलो अरे कॉर्नुआ अभी अभी तो बताया था कि स्थम या फिर कॉर्नवा कहते हैं नेक्स्ट डैश इज कॉमनली कॉल्ड द द डैश इज अपर कॉमनलीफ दूडर इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रायो किधर पे होता है यूट्रस में होता है पेरीमेट्रियम क्या है आउटर कवरिंग ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल बाहर की पेरी मतलब बाहर मेट्रियम मतलब लेयर मैट मैट होता है ना मैट मतलब लेयर मेट्रियम लेयर

और इंडोमेट्रियम में भी होता है वैसे मायोमेट्रियम में भी होता है चलो तुम लोग बताओ तुम लोग बताओ इसका आंसर बोलो हा 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 बोलो कितने लोग ए आंसर दे रहे हो सी आंसर दे रहे हो पचास लोग ओनली इंडोमेट्रियम आएगा पेरीमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कहाँ चेंज होता है नहीं होता है सिर्फ इसी टाइम पे यही तो हमारा न्यूट्रिशन और रिलीज uh, करता है एस्ट्रोजन एंड ऑल को चलो ठीक ओवरी भी रिलीज करता है एक्सटेंड्स इन वजाइना कौन सी चीज एक्सटेंडेड है इन दी वजाइना वजाइना तक कौन सी चीज एक्सटेंडेड है चलो बताओ तो इसका आंसर दो <laughs> बोलो अरे सर्विक्स से बाबा ऊपर से आया वजना लाइज बिटवीन किसके बीच में रहता है फंडस और सर्विक्स के बीच में सर्विक्स नीचे फंडस अच्छा वजाइना पूछा है ना अच्छा वजाइना पूछा है तो वजाइना सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में रहता है डायसिस इज कवर्ड बाय फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन बोलो कौन सी वो म्यूकस मेम्ब्रेन है वजाइनल ओरिफाइस के ऊपर कवर्ड होती है हाइमन इज दी आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर वर्जिनालिटी नहीं 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 वर्जिनिटी बट ये सिर्फ फिफ्टी परसेंट करेक्ट है हाइमन के थ्रू ही पता नहीं चलता कि कोई इंसान वर्जिन है ठीक है नेक्स्ट द एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ द फीमेल रिवटरी सिस्टम इंक्लूड्स द डैश बहुत से एमसीक्यू लेके आया यार कितना है अभी बहुत है चलो करते जाओ फटाफट जल्दी बताओ सब लोग आंसर देते जाओ एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ द फीमेल बोलो ऑल ऑफ दीज यार सब तो कंटेन करता है वेस्टिब्यूल इज अडैश वेस्टिब्यूल क्या है बताओ क्या ये थिन फोल्डेड इनर लेयर है नहीं बाहर रहता है तो मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन है वल्वा का ध्यान रखना बी विल बी द आंसर डैश <tongue> आर पेयर ऑफ थिन फोल्ड इनर टू द लेबिया मेजोरा बताओ अब थिन फोल्डेड बोला है लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली द लेबिया माइनोरा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म व्हाट बताओ पीछे साइड पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे साइड बोलो अरे फोर शीट शीट पढ़ते हैं उसको चीट मत पढ़ना डैश इन फीमेल इन होमोलोग स्क्रॉटम स्क्रॉटम को होमोलोगस कौन है फीमेल के अंदर जैसे कि फीमेल में स्क्रॉटम है तो फीमेल में स्क्रॉटम के जैसा कौन सी चीज है बताओ

बोला 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 काउपर्स ना काउपर्स काउपर्स ग्लैंड हाँ यही आएगा चलो ठीक है बताओ आगे बढ़ो परफेक्ट है नेक्स्ट इच मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स डैश लोब्स जितने भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो कितने लोब्स मिनिमम कंटेन करते हैं अपने पास इच मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स डैश लोब्स बताओ टन 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 ट अरे पंद्रह से बीस लोग फॉलोइंग हॉर्मोन्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टी पेरेस्टिब्यूल्स प्रोलैक्टिन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवरी इज ऑल्सो नोन एज मेडुला दउटर कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला तो बाहर का लेयर होता है ना कॉर्टेक्स इन बिटवीन लेयर कहलाती है तो इसका आंसर तुम लोग बताओ ठीक नहीं मेडुला सेंटर हाँ, कॉर्टेक्स आउटर लेयर कवरिंग है मेडुला ही परफेक्ट आंसर है सही बोला मैंने द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मतलब जब 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 पंद्रह पंद्रह सेकेंड के अंदर एक एक क्वेश्चन करवा रहे हो तुम लोग तुम लोग भी आंसर दिया करो फटाफट द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी इतने सारे थियरी कराने के बाद अगर क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो मैं कोई पीछे कर ही नहीं सकता जिंदगी में कभी द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी शो टाइनी मासस ऑफ सेल कॉल्ट ओवरी के अंदर की बात चल रही है ना तो क्या कौन से टाइनी है छोटे छोटे मासेस ऑफ द सेल्स वो क्या है बताओ अरे ओवेरियन फॉलिकल्स होता है वो चलो नेक्स्ट अब आगे की पढ़ाई करते हैं अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो क्वेश्चन हो गया हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है ये कसम से बहुत बड़ा चैप्टर है सीरियसली कह रहा हूं इतना बड़ा चैप्टर है बाबा अरे हाँ साहिल पी वाई क्यूज इसी में कराऊंगा ना क्यों टेंशन ले हो लास्ट में पी वाई क्यूज भी है इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने के बाद पूरे पी वाई क्यूज भी इतने क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो जानते हो कितना होगा आकांक्षा क्या हुआ आकांक्षा बोलो ना इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे आपका डाउट दे पाऊंगा चलो थोड़ा सा तब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार डेढ़ घंटे से बोल रहा हूँ लेक्चर भी अपने केमिस्ट्री का लेने का है चलो टांगण ना टांगणा ना, 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 ना। अविनाश कह रहा है हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन हो तुम ट्वेल्थ बायोलॉजी <laughs> कल से डालूंगा अभी सेकेंड अटैचमेंट का क्या होगा सेकेंड अटैचमेंट मुझे लगता नहीं कि आज मैं इसे खत्म कर पाऊंगा अब कितना फास्ट लू इतना ज्यादा फास्ट लूंगा तो तुम्हें नहीं समझेगा तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसको दो बार लेना पड़ेगा नोट्स नहीं मिल रहा याकूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है उसमें जाओगे ना तो मैंने डाल दिया है ठीक है मिस्टर रुद्रा आ जाएगी मैथ्स की मैथ्स का टाइम टेबल देखो ना उस दिन है आई थिंक दो दिन बाद है मैथ्स का भी रहेगा ना हूहूहू चलो तो cycle, अपने पास दस पांच मिनट और है फिर अपन साइकिल की शुरुआत करेंगे हाँ हाँ मैं लूंगा केमिस्ट्री का लेक्चर चलो ठीक है यार। शुरू करते हैं हाँ टिकटॉक स्टेटस अगर आप इतना कर लोगे तो आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा इसकी मैं गारंटी लेता हूं ठीक है नहीं विपाशन आज वहां पे नहीं हो पाएगा उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा पीवाई क्यू इसका पूरा पी डी एफ है तन्मय पाटिल इसी इसी में मैं बना के लाया हूं मैं मैं पूरा पीवाई क्यू बना के लेके आया हूँ क्यों इतना घबरा रहे हो पूरा पी वाई क्यू दो हजार चौदह से लेके पूरे दो हजार इक्कीस तक के सारे पीवाई क्यू भी करवाऊंगा एम एस टी सी टी के सब ठीक है टेंशन मत लो समझ रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं पूरा पीवाई क्यू का लेके आऊंगा ओके चलो ओके ओके चलो ठीक है मैं सब भेजता हूं तुम लोग ढूंढोगे तब तुम्हें सारी नोट्स मिलेंगी ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से ले लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का चलो तो मैंसुरुल साइकिल की अब हम बात करते हैं तो जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है फॉर प्राइमेट्स इंक्लूडिंग मैन मतलब कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं बंदर लोग होते हैं ना मंकी लोग उसमें भी मैंसुरल साइकिल होता है कोई फीमेल रहने दो कोई भी गाय भैंस रहने दो बकरी रहन दो सबको होता है मैंसुरल साइकिल सारी फ़ीमेल्स को होता है इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंज मतलब कि ट्वेंटी एट डेज के साइकिल में ये चीजें होती हैं समझ रहा है साइक्लिकल चेंज कितने दिन में ट्वेंटी एट डेज में बार-बार एक साइक्लिकल चेंज होता है ठीक है पहली बात दूसरी बात ये कब स्टार्ट होता है तो गोनैडोट्रोपिन नाम के हार्मोन जब जैसे ही रिलीज होता है वैसे ही ये शुरू हो जाता है दूसरी बात 28 दिन लगते हैं मैंने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका रिजल्ट क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हुआ तो इसका मेन रिजल्ट क्या चीज है तो इसका मेन रिजल्ट है एग का प्रोडक्शन इस बात को ध्यान देना दूसरी बात इसके कितने टोटल फेज हैं तो इसके टोटल चार फेज हैं मैं चारों फेज आपको एक साथ दिखाना चाहूंगा इसीलिए मैंने इसकी टाइपिंग नहीं की तो फेज पहला है दूसरा प्रोलीफ्रेटिव फेज तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा सिक्रेटरी फेज तो चारों फेजेस को याद कर लो फिर से बताता हूं मैंसुरुल फेज प्रोलीफ्रेटिव फेज फिर ओव्यूलेटरी फेज और उसके बाद आता है सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज ठीक है तो इसे अच्छे से आप लोग तो थोड़ा ध्यान में रखो ठीक है चलो अब फटाफट शुरू करते हैं इन चारों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे फिर इसके एमसीक्यू करके वाइंड अप करेंगे और बाकी का इसका पार्ट टू कल क्योंकि तुम सबको पता है 45 पेज का ये चैप्टर है यार अभी हम सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं अभी हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस और इसके बाद पार्चुलेशन प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर्स पूरे बर्थ कंट्रोल अरे वापरे बहुत ज्यादा टॉपिक है ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज ये चैप्टर पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसको कर लोगे तो दस दस क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे आपको तो मैंसुरल फेज की बात करते हैं तो ये शुरुआत होती है किसी भी मैंसुरल साइकिल की जिसमें ना करीबन ब्लड बाहर निकलता है जिसे हम मेंसेस भी कहते हैं तीन से सात दिन तक किसी को नॉर्मल वैसे कहूं तो चार पांच दिन तक का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महीने भर में तो सात दिन मैक्स तो मैक्सिमम लिख दिया किसी को हो सकता है तो हो गया इसके अंदर इंडोमेट्रियम ब्रेक होती है देखो हमने इसके पहले क्वेश्चन भी किया था कि इंडोमेट्रियम नाम की जो यूटेरस की लेयर होती है उसी लेयर के यूटेरस की जो लेयर है इंडोमेट्रियम अंदर की लेयर इसी में चेंजेस होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है ध्यान देना इसी के ब्लड टिश्यू म्यूकस सब टूट ताट के बाहर कलता है, ब्रेक होता है और जब ये सब फटता है ब्रेक होता है तो फीमेल की बॉडी को पेन होता है दूसरा फिर अब देखो अब फेज खत्म यानी कि एक बार पूरी साफ सफाई हो गई पूरा का पूरा मटेरियल बाहर चला गया पूरा ब्लड बाहर चला गया गंदगी साफ हो गई अब नया सिरे से फिर से स्टार्ट होगा तो ये फेज का ड्यूरेशन बेसिकली 13th डे पांच से लेके 13 दिन तक होता है टोटल 28 दिन होते हैं ना तो टोटल 28 दिन में पांच से लेके 13 दिन तक होता है और इसी फेज में ओव्यूलेशन होता है मतलब कि देखो साफ सफाई होने के बाद ओवम बनना फिर से शुरू होगा ओवरी में और जैसे ही ओवम बनेगा तो ओवम बन बन, बन बन के बन बन के बन बन के रिलीज होगा ओवरी से और आके एम्पुला में इंतजार करता है तो प्रोलीफरेटिव फेज में

समझा थर्टींथ डे तक तो वो किसी किसी में निकल भी जाता है वो तो मै फीमेल टू फीमेल होता है ऐसा फिक्स नहीं है बट रियलिटी में देखें तो बुक की माननी पड़ेगी वैसे बात करते हैं शॉर्टेस्ट फेज ये है पूरे मेंस्ट्रुअल मैं साइकिल का क्यों क्योंकि एक ही दिन का होता है फोर्टींथ डे को सिर्फ जिस दिन ऑविलेशन हुआ वही चीज है तो पेल्विक कैविटी में थोड़ा सा मतलब कुछ इसमें महसूस भी नहीं होगा अगर मान लो तुमको ना ओवम बाहर निकल भी रहा है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि निकल गया मेच्योर फॉलिकल रप्चर हो गया तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा तुम्हें कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ेगा फर्क तो तब पड़ेगा जब ब्रेकिंग होती है और जब पेन होता है और लास्ट सिक्रेटरी फेज अब ओवम निकल गया अब इस को जाना चाहिए ना उधर लेकिन इस जाएगा ही नहीं अब हर महीने थोड़ी स्पम जा सकता है तो स्पम अगर नहीं गया तब पूरा का पूरा ओवम फिर से बाहर निकलना शुरू करेगा तो 15 से लेकर 28 दिन तक पूरा का पूरा इस सिस्टम चलता है 14 डेज तक पूरा सेक्रेटरी फेज चलता है या ल्यूटियल फेज कह सकते हो आप इसमें से लास्ट के जो चार दिन होते हैं ये बड़े ही खतरनाक और पेनफुल होते हैं ठीक है तो ऑविलेटरी जो मतलब पूरे के पूरे चौबीस घंटे तक ओवम वेट करता है अगर नहीं आया तो फिर से पूरा का पूरा इंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू होगा फिर पूरा का पूरा कॉर्पस जो ल्यूटियस ल्यूटियम रहेगा वो पूरा कॉर्पस एल्बिकंस में कन्वर्ट होगा फिर पूरा का पूरा सिस्टम फर्टिलाइजेशन के अबसेंस में सब कुछ होता है पेन होता है चार दिन तक ब्लीडिंग होती है बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना चलो बात करते हैं मैं साइकिल इज रिपीटेड ऑलमोस्ट रेगुलरली एवरी डेस्ट डेज़ ट्वेंटी एट डेज बहुत बढ़िया द मिडल ऑफ ईच साइकिलेटराइज बाय वॉट चलो इसका आंसर दो मिडल ऑफ ईच साइकिल हर एक साइकिल का मिडल पॉइंट क्या चीज है आप इसको किस चीज से डिस्क्राइब करोगे बताओ अरे भाई एग के रिलीज होने से नेक्स्ट किस दिन एग रिलीज होगा डे वही रहेगा ना इन एवरी से निकलता है? Ovaries, ऐसा नहीं कि एक है, दोनों ओवरी से निकलता है days, कितने दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चलता है मतलब जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने दिनों तक चलता है मैं ये पूछ रहा हूं तो इसका आंसर बताओ बोलो अरे तीन से सात दिन तक इतने दिन तक ही ब्लीडिंग होती है ना एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक्स डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ एंडोमेट्रियम कब ब्रेक होती है मतलब सोचो ना कब तो इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन से तो बनता है तो डिक्रीज जब होता है चीजें जब चीजें डिक्रीज हो जाती हैं तो एग्जैक्टली exactly बताओ अभी जरा तुम लोग अब इसका आंसर बताओ क्या है इसका आंसर क्या आएगा बोलो

इफेक्ट ऑफ वॉट प्राइमोडियल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं इन टू प्राइमरी फॉलिकल्स किस कौन से हॉर्मोन के इफेक्ट में इसका आंसर दो अरे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल का नाम आता फॉर्म फॉलिकल हार्मोन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल को ब्रेक करता है ध्यान रखना प्रोलीफ्रेटिव फेज इज आल्सो नोन एज व्हाट जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं द फेज बिटवीन द एंड ऑफ इज फेज डैश फेज मतलब कि जहां पे menstruation का हो और ओवम रिलीज हो ऐसे फेज को कौन सा फेज कहते हैं यह क्या हो गया सबर करो मेरी जान अरे भाई नीचे 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 ये माउस काम करना ही बंद कर देता है रुको हाँ खिसक गया ये तो आ, आ गया माउस ही काम नहीं करता है चलो इसका आंसर बताओ फटाक से बोलो फटाक से अरे भाई सिंपल सी बात है प्रॉली फेज आएगा आंसर ठीक है तो ध्यान रखना इस चीज को आज तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत बड़ा खत्म ही नहीं होता खत्म ही नहीं होता ये चैप्टर ठीक है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या ओके देख लेना एक बार तुम लोग ठीक है ध्यान देना बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो आज के लिए यहीं तक खत्म करें बाकी का कल पढ़ें बताओ जल्दी से फटाक से बोलो कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया इतना रैपिड क्वेश्चन करवाओगे एक दो तो इधर उधर हो ही जाएगा कहाँ गया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बताओ ना नंबर तो डाला ही नहीं मैंने क्वेश्चन का कौन से वाले क्वेश्चन में अच्छा ये वाले का क्या इन मैं इन एवरी मैंअल साइकिल ओवम इज रिलीज हाँ तो बताओ क्या है इश्यू इसमें बोलो मैंने क्या दिया बोथ ओवरीज कर दिया क्या इन एवरी साइकिल हर एक साइकिल में एक से एक से अल्टरनेट टाइम पे होता है ना हाँ यार यही वाला आंसर आएगा डी आएगा इसका आंसर डी है हा? थोड़ा ध्यान देना जल्दी जल्दी में बोथ ओवरीज कर दिया चलो ठीक है ध्यान दो चलो ठीक है फटाफट करीबन आज हमने पचास साठ क्वेश्चन किए प्लस थियरी भी पढ़ी ठीक है चलो एक 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 डी हो गया आंसर इट्स ओके चलता है एक गलती होगी तो इसे पकड़ के तुम लोग धुमसाने लगोगे मेरे को चलो ठीक है आज हमने करीबन पचास से साठ क्वेश्चन किया और ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन हो गए रहेंगे इतने सारे क्वेश्चंस में तो देख लेना तुम लोग भी थोड़ा सा तुम लोग भी होशियार हो ऐसी बात नहीं है ठीक है तो बाकी की हमने इतने सारे क्वेश्चन प्लस थियोरी भी की बहुत ज्यादा आज मजा आया और सीरियसली बहुत मजा आया और अब हम लोग ना एट थर्टी या एट फोर्टी फाइव को मिलेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर में तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था सीरियसली ठीक है चलेगा और आज मजेदार लेक्चर था बहुत ही मजेदार लेक्चर था ठीक है ओके और आज केमिस्ट्री के लेक्चर में आना एक बार फिर देखते हैं धमाका होगा सीरियसली धमाका होगा शायद मेरी मेहनत रंग लाएगी ठीक है तो सब लोग आज के लेक्चर में आना और देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और कैसा लगा लेक्चर थोड़ा सा एक बार बता दो यार तुम लोग बता दो कैसा कैसा लगा लेक्चर और सुबह वाली शायरी वापस से बोलू क्या तीन बजे वाली आई एम फाइन वट अबाउट यू हाँ बड़े बोर्ड पे लूंगा लेक्चर वॉज लेट वाओ नाइस बहुत बढ़िया तो फिर शायरी बोल दू आपस से तुम लोगों को शायरी बहुत पसंद रहता है <laughs> चलो ठीक है बोल देता हूँ अभी अभी तो बोला था तुम लोग को तो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा वापस रिपीट अगेन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा तुम्हारे पापा मम्मी सब हंसेंगे और खुशियां भी आएंगी जब तुम्हारा जब उनके जब उनका बेटा इंजीनियर बनकर आएगा ऐसे मैंने कुछ बनाया था ना मैं जब कोई सारी बना देता हूँ मेरे कोई भूल जाता है मैं क्या बनाया था <laughs> चलो अच्छे से बोलता हूं ठीक है

मेरे को शायरियां याद नहीं रहती मतलब मैं खुद से बनाऊंगा तो भी मेरे को याद नहीं रहती और किसी ने बोला वो भी याद नहीं रहती लेकिन अग, अभी अगर तुम बोलो तो मैं बना दू तुरंत समंदर के ऊपर <laughs> <laughs> बोलू क्या अरे बेटा पढ़ो लिखो मत करो समंदर समंदर अरे बेटा पढ़े लिख पढ़ो लिखो मत करो समंदर समंदर नहीं पढ़ोगे तो घूमोगे इस ऑफिस उस ऑफिस एग्जैक्टली लाइक बंदर बंदर <laughs> तो अभी बनाया एग्जैक्टली ठीक है ध्यान रखना तो फिर से क्या बोला अरे बेटा पढ़ो लिखो मत करो समंदर समंदर अगर नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो घूमोगे इस ऑफिस कभी उस ऑफिस एग्जैक्टली लाइक बंदर बंदर <laughs> ठीक है मजा नहीं आया अरे अभी बनाया है ना सोच के आके बनाता तो फिर और अच्छा लगता था चलो ठीक है देखो भाई पहले से लिख के मोबाइल में लिख के थोड़ी शायरी आता हूं कि हां <laughs> तुम मेरी जान मैं तुम्हारी जान दोनों मिल गए खाई <laughs> में गिर गए और <laughs> नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं अच्छा है ठीक so exactly चलो चलते हैं मिलेंगे इसी तरीके के कल के प्यारे से लेक्चर में और कल हम लोग इसके आगे का पार्ट पूरा का पूरा कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन लाइक कर देना थोड़ा सा इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर देना Thanks a lot guys. और इंस्टाग्राम में सब लोग फॉलो कर देना आईडी तुम्हें पता ही होगी प्रशांत टी नाइन डिस्क्रिप्शन नोट्स के लिए लिंक दिया हूं टेलीग्राम का जहां से जाके आप इस पूरे की पूरी नोट्स आप लोग ले सकते हो और सबसे पहले बता दूं कि जितने लोगों को मैं पसंद हूं बहुत अच्छी बात है जिनको पसंद नहीं हूं उनको राम राम आप मत पढ़ो यहां से चले जाओ नो इशू बाय बाय टाटा टेक केयर क्योंकि मैं बिजनेस मैन थोड़ी हूं कि मैं आपको पकड़ के रखूंगा रुक बेटा इधर कहीं मत जाना <laughs> तू मेरा कस्टमर है ऐसा थोड़ी है <laughs> जो अपने साथ चलो ठीक है बहुत बढ़िया <laughs> अच्छा समुंदर के किनारे कभी क्या नहीं होती और जिससे प्यार हो उससे शादी नहीं होती ऐसा ही कुछ था ना हाँ याद आया चलो ठीक है गाइस ओके सो बाय बाय टेक केयर मिलेंगी फिर तरीके के किसी प्यारे से लेक्चर में केमिस्ट्री के लेक्चर में पंद्रह मिनट बाद वापस से बाय बाय टेक